हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश 2 का चैप्टर 8 जो है, जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लिटकिंस। एक यंग लॉयर जो रहता है वो एक विलेज में आता है, क्योंकि उसे समन या फिर कह सकते हैं कि न्यायालय में या किसी कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए बोलने आया है, या न्यायालय में उपस्थित रहने का जो मैसेज है वो लेकर आया है। समन का मतलब होता है कि एक तरह से आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आपको कोर्ट में आना है। तो वो ओलिवर लिटकिंस को ये मैसेज देने या समन देने आया होता है। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम अराउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लिटकिंस। और जो एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर जो रहता है, आपको बता दूं, हैक ड्राइवर मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाता है या घोड़े से जो बनी घोड़े की गाड़ी जो होती है उसे खींचता है, उसे हैक ड्राइवर कहते हैं। वो उसे पूरे विलेज में लेकर जाता है ताकि वो लुटकिंस को ढूंढ सके। डज ही फाइंड हिम, क्या वो जो यंग लॉयर होता है उधर लुटकिन मिल जाता है, और वो लुटकिंस कौन होता है? तो आइए देखते हैं चैप्टर में, स्टोरी में क्या बताया गया है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, मतलब ऑनर्स में ग्रेजुएशन होने के बाद, आई बिकम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिशेंट लॉ फर्म। मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना एक मैग्निफिशेंट लॉ फर्म में। लॉ जो कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया था ऑनर्स में, और उसके बाद में जैसे मैंने बताया वो एक लॉयर हैं, तो एक लॉ के फर्म में उन्हें जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की पोजीशन मिल गई। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। और मुझे वहाँ पर काम में, या जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का मेरा काम जो था, लीगल ब्रीफ्स को प्रिपेयर करना ना होकर इस तरह के समन्स, इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो देना उन लोगों को, या जिन्हें बुलाया गया है कोर्ट में, उन्हें जाकर इस चीज़ को बताना कि उन्हें कोर्ट में बुलाया गया है, ये काम दिए गए थे जो एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव के काम होते हैं। चीप मतलब बहुत सस्ता सा कोई आदमी जो डिटेक्टिव का काम करता है, जासूसी का काम करता है, इस तरह का काम मुझे दिया गया था। I had to go to dirty and shadowy corners of the city. मुझे इस काम को करने के लिए बहुत ही गंदी और जो बहुत ही अंधेरी वाले corners होते थे सिटी के, वहाँ जाना पड़ता था ताकि मैं अपने victims को या गुनहगार को, victims जो होते हैं मतलब जिन्हें वो ढूंढना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो गुनहगार हैं उन्हें ढूंढने के लिए मुझे इस तरह की जगहों पर जाना पड़ता था। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. कुछ बड़े और बहुत ही self-confident जो रहते थे वो कभी कभी मुझे मारते भी थे या बिट भी करते थे। आई हेट दिस अनप्लीजेंट वर्क, और मुझे इस तरह का अनप्लीजेंट या मेरे बिल्कुल मन के खिलाफ था ये वर्क, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, और इसके कारण जो सिटी की अलग साइड थी वो भी मेरे सामने आ गई, या वो भी मैं मुझे देखने को मिली। आई इवन कंसिडर फीलिंग टू माई होम टाउन वेर आई कुड, बहुत बार मैं मतलब कंसिडर करता था फीलिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने होम टाउन चले जाऊँ, वेर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे। जहाँ पर मेरी जो लॉयर की मेरी डिग्री मेरे पास है, या जो मैं लॉयर बना हूँ, वो शायद अच्छी तरह से वहाँ पर मैं परफॉर्म कर पाऊँगा उस वर्क को जो लॉयर से रिलेटेड है या लॉयर का वर्क है, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। ना कि मुझे वहाँ पर जाने के बाद इस तरह के अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ेगा। सो आई रिजॉइस वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द काउंटी। और मुझे एक दिन बहुत खुशी हुई, या मैं बहुत रिजॉइस फील कर रहा था, बहुत ही अच्छा फील कर रहा था, जब एक दिन उन्होंने मुझे मैं जहाँ था उस जगह से 40 miles की दूरी पर भेजा एक टाउन में, जिसका नाम था न्यू मुलियन नाम का एक जो शहर था या टाउन था, वहाँ उन्होंने मुझे भेजा टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस नाम के आदमी को ये मैसेज देना था, या न्यायालय में उन्हें बुलाया गया है, कोर्ट में उन्हें बुलाया गया है, वहाँ पर उन्हें उपस्थित रहना है, वहाँ उन्हें प्रेजेंट रहना है, ये मैसेज सर्व करने के लिए मुझे उस गाँव में भेजा गया। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, एक लॉ के केस में हमें इस आदमी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो विटनेस था या गवाह था। एंड ही हैड इग्नोर ऑल आर लेटर्स, हमने उसे बुलाने के लिए बहुत सारे लेटर्स भी भेजे थे, पर उन्होंने उस सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया, या उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई उस लेटर्स का नहीं आया। व्हेन आई गॉट टू न्यू मुलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वेर सीवियरली डिसअपॉइंटेड। जब मैं न्यू मुलियन गया तो मेरा जो ईगरनेस था, या मेरी जो चाहत थी, एक्सपेक्टेशंस थे कि बहुत ही स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज होगा, वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ मैं देखकर। इट्स स्ट्रीट्स वेर रिवर्स ऑफ मर्ड, मतलब उसकी जो जगह थी या उसके जो रास्ते थे, स्ट्रीट्स थे, वहाँ पर ऐसा लगता था कि कीचड़ की नदियाँ बह रही हैं। विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स, जहाँ आस पास दोनों तरफ में लकड़ी की शॉप्स बनी हुई थी रो में, आइदर पेंटेड अ सोर ब्राउन, और या तो उन पर पेंट किया गया था सोर ब्राउन कलर से, और बियर ऑफ एनी
और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। उसके अलावा कोई भी कलर का पेंट वहाँ पर नहीं दिख रहा था। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। सिर्फ एक अच्छी चीज़ वहाँ पर उस साइड की ये थी कि वहाँ पर जो डिलीवरी मैन आया था स्टेशन पे वो बहुत अच्छा था। इट वॉज अबाउट 40, वो 40 ईयर्स का होगा। रेड फेस था, चीयरफुल था, थिक अबाउट द मिडिल, थोड़ा सा कह सकते हैं कि मोटा था। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वेर डर्टी, क्योंकि जो कि वो काम कर रहा था तो उसके कपड़े जो थे वो बहुत ही डर्टी थे और वेल वॉर्न थे। ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, और आपको ऐसा फील होगा कि शायद उसे लोगों से बात करना पसंद है, ऐसा उससे देख कर मुझे लगा। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम ओलिवर लुटकिन। मैं जैसे ही उस आदमी से स्टेशन पर मिला, मैंने उससे कहा कि मुझे लुटकिन, ओलिवर लुटकिन नाम का आदमी चाहिए या मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। लिपकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो। उस आदमी ने उसे कहा कि लिपकिंस चाहिए आपको, मैंने अभी 1 घंटे पहले ही उसे यहाँ घूमते हुए देखा था। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, वो कहता है कि बहुत ही मुश्किल ऐसा फेलो है, ये किसे पकड़ना या ऐसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ वो करते रहता है, कहीं ना कहीं वो रहता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी उसने स्टार्ट किया है, प्रोबेबली कुछ शुरू करने जा रहा है पोकर गेम को, जो बैक ऑफ फ्रिज शॉप है, मतलब फ्रिज शॉप के पीछे पीछे की जो साइड है वहाँ पर वो पोकर गेम खेलता है। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लिटकिंस। वो आदमी या वो जो आदमी है 40 ईयर्स का रेड फेस वाला, वो उसे पूछता है, राइटर से पूछता है कि क्या तुम्हें बहुत जल्दी है उसे ढूंढने की। यस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। राइटर कहते हैं या ये कहता है कि हाँ, ये यंग लॉयर जो होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत जल्दी उनसे मिलना है क्योंकि आफ्टरनून में मेरी ट्रेन है वापस मेरी सिटी जाने के लिए। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनसे मिलना और कुछ सीक्रेट है जो मुझे उन्हें बताना है। आई टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, आई गेट इट एंड आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड इट अगेन। वो जो मैन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मेरे पास में घोड़ा गाड़ी है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ एंड देन हम लोग दोनों साथ में उस घोड़ा गाड़ी पर चलते हैं और लुटकिंस को ढूंढते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे बहुत सारी ऐसी जगह पता है जहाँ पर लुटकिंस ज़्यादातर या बहुत बार जाता है या रहता है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। वो आदमी जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फ्रेंडली था और इसीलिए मुझे उसका अफेक्शन बहुत पसंद था। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल। मैं जानता था कि वो तो उसका काम ही है कि वो मुझे हर जगह ले जाए, लेकिन सच में उसकी जो अच्छाई थी वो सच में सही थी। वो झूठ झूठ का चेहरा जो होता है किसी का अलग होता है कि जो सिर्फ पॉलिशिंग करेगा एंड ऑल, वैसा वो नहीं लग रहे थे। वो जो हैक ड्राइवर था वो बहुत ही काइंड था या बहुत ही अच्छा था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, और मैं बहुत खुश था कि मेरे जो फेयर का पैसा है या फिर जो मुझे वो पूरे शहर में विलेज में घुमाएगा तो उसका जो पैसा मैं उसे दूंगा, वो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि मैं इतने अच्छे आदमी के पास पैसा दूंगा, इतना अच्छा आदमी जो था उसे वो पैसा मिलेगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एंड आर एंड देन ही बॉट फ्रॉम हिज हॉर्स नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। मैंने उनसे मैनेज कर लिया था कि मैं आपको 1 घंटे का $2 दूंगा, और देन उसने अपने हॉर्स को जो पास में लगाया हुआ था सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स जो व्हील के ऊपर था वो लेकर आए वो वहाँ से। ही मेड मी ही रिमार्क वेल यंग मैन हियर्स द कैरेज, वो मुझे कहने लगा कि ये हमारा कैरेज है या ये मेरा हैक है, मतलब मेरा घोड़ा गाड़ी है। हियर्स द कैरेज एंड दिस वाइड स्माइल मेड मी इंटू एन ओल्ड फ्रेंड, और वो हंस दिया जोर से मुझे देखकर और मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड की याद आ गई। दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प टू स्ट्रेंजर्स, मुझे ऐसा लगने लगा कि इस विलेज के लोग, इस गांव के लोग जो है वो बहुत ही हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी स्ट्रेंजर को हेल्प करने के लिए। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिन फॉर मी, और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो हैक ड्राइवर था वो बिल्कुल रेडी हो चुका था, अपने आप को उसने रेडी कर लिया था, जैसे वो उसे टास्क मिला हो कि उसे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढना है मेरे लिए। ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, वो कहने लगा कि मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता यंग फेलो, बट माई गेस इज़ दैट यू वॉन्ट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस, लेकिन अगर मेरा अंदाज सही हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शायद कोई पैसा कलेक्ट करना है तुम्हारा लुटकिंस से। ही नेवर पेज एनी बडी अ सेंट, लेकिन तुम अगर यहाँ उससे पैसा लेने आए हो तो किसी को भी एक सेंट भी नहीं देता, जैसे हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एक फूटी कौड़ी वो तुम्हें नहीं देगा या किसी को नहीं देता। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन पोकर गेम आई वॉज फुल, अभी भी उसने स्टिल मुझसे उसने लिए थे 50 सेंट्स पोकर गेम के लिए, लेकिन आई वॉज फुल इनफ टू प्ले विथ हिम, लेकिन मैं बहुत ही बेवकूफ़ था जो उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी,
वो वैसे तो मतलब कह सकते हैं कि वो पोकर गेम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, और उसे उसके पार्ट मतलब उसके मनी से या उसके गेम उसमें उसे गेम में हरा कर पैसा लेना बहुत ही मुश्किल है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर तुम उससे कलेक्ट करना चाहते हो इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे ढूंढना चाह रहे हो और इस तरह के फैंसी कपड़े आप पहनोगे तो उसे शक हो जाएगा और वो शायद आपको कभी ना मिले या वो आपसे दूर दूर ही रहेगा। इफ़ यू वॉन्ट आई गो इन टू फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम। और वो आदमी कहने लगा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं फ्रिट्स की शॉप में जाकर उसके बारे में पूछता हूँ, एंड यू कीप आउट ऑफ द साइट बिहाइंड मी, और तुम मेरे जस्ट पीछे खड़ो ताकि मुझे शॉप में से कोई अगर उसके बारे में खबर मिलती है तो हम लोग वहाँ जाकर उसे ढूंढेंगे, लेकिन तुम डायरेक्टली जाकर पूछोगे तो मे बी कि अगर वो आसपास कहीं होगा तो उसे शक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा। फॉर द चैप्टर जो है वो हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।